हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हमारे चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी में। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग का सबसे हेल्दी और सबसे टेस्टी ब्रेकफास्ट, वो भी सूजी दही से। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ उसमें हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। तो बनाते हैं इस नाश्ते को, सिंपल से नाश्ते को। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने एक बड़ा सा पहले बाउल लिया है, जिसमें हम एक छोटे वाले कप से 2 कप या 1.5 कप की कप के करीब सूजी ऐड करेंगे। सूजी बहुत बारीक, बहुत मोटी नहीं, मीडियम साइज की सूजी है जो सभी यूज करते हैं, वही वाली सूजी है। नाश्ते में तो कोई भी सूजी चलेगी। तो 2 कप मैंने सूजी ले लिया है यहाँ पे। अब इसमें हम डालेंगे उसी कप से 1 से 1.5 कप का गुनगुना पानी। मैंने यहाँ पानी को देखिए गर्म कर लिया है। गर्म पानी में इस सूजी को भिगोएंगे। मेजरमेंट का खासकर ख्याल रखें, और सूजी बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है और उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे, यानी कि सूजी को हम भिगोएंगे। इस रेसिपी को आप सिर्फ दही के साथ भी बना सकते हैं, दही के साथ ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे इसे पानी के साथ बना रही हूँ। मैं ऊपर से 2 चम्मच इसमें दही ऐड करूंगी, लेकिन अभी मैं इसे पानी में भिगोऊंगी। तो यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं, मैंने 1 कप पानी डाला है, सूजी ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। तो फिर मैंने 2 कप से 1/2 कप पानी ऐड किया है। तो अब सूजी पूरी तरह से भीग गई है। अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब दही डालेंगे। दही हम कम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि दही ये खट्टा है, इस वजह से। सिर्फ दही के साथ भी आप इसे बना सकते हैं और सिर्फ पानी के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। तो दही को भी सूजी के अंदर मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पे। ये मॉर्निंग के लिए बहुत हेल्दी नाश्ता है, बच्चे बड़े किसी के लिए भी आप बना सकते हैं, और जो भी खाएगा उसे लंच तक तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पे मैं इसे ढक के 1 घंटे के लिए रख देती हूँ, बाकी का मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, सूजी पूरी तरह से थिक हो चुका है और इसमें पानी मतलब जो था वो पूरी तरह से ये एब्जॉर्ब कर लिया है और सूजी की क्वांटिटी भी ज्यादा हो गई है। तब इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे हम एक बैटर जैसा बनाएंगे। बैटर कैसा रखना है, बहुत पतला वाला बैटर नहीं रखना है, थिकनेस वाला बैटर रखना है, गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से हम एक बैटर बनाएंगे। बैटर के बनाने के बाद यहाँ पे आइए चलते हैं आगे। हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं कटे हुए, आप मॉर्निंग के टाइम पे जो भी सब्जी आपसे फटाफट कट जाए आप डाल सकते हैं, जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो उसे आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी यही अवेलेबल था, 1 टमाटर काटा मैंने, 1 प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, इससे भी बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनता है। तो यहाँ पे सभी चीजों को हम चारों चीजों को डाल देंगे। तो टमाटर भी हमने डाल दिया, हरी धनिया भी हमने डाल दी फ्रेंड्स। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये जो सब्जी हमने इसमें ऐड किया है, इसको ऐड होने के बाद देखिए सूजी और थिक हो गया है। तो थोड़ा पानी और हम डालेंगे, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो पानी तो थोड़ा और डालना बनता ही है। तो अब जाके ये परफेक्ट बैटर बना है। तो इसको चटपटा, स्पाइसी और मसालेदार बनाने के लिए हमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं हमें क्या डालना है इसमें। तो यहाँ पे हमने लिया है फ्रेंड्स थोड़ा सा नमक। इस नाश्ते में नमक कमी डाले तो अच्छा है। और कुछ मसाले हमने लिए, जैसे कि यहाँ पे कुटा हुआ लाल मिर्च मतलब चिली फ्लेक्स और काली मिर्च, सब्जी मसाला थोड़ा सा, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर। तो बस यही मसाले हैं जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और इसे ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। इससे आसान आप कोई भी नाश्ता नहीं बना पाएंगे मॉर्निंग के टाइम पे। जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी हेल्दी रेसिपी है, तो वो लोग जरूर से ट्राई करें, और अगर अच्छी बने तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो एकदम अच्छा वाला एक बैटर बना लेना है हमें। आप सभी को भी आइडियाज होगा कि बैटर एक मतलब नाश्ते के लिए, चिले के लिए बैटर कैसा होना चाहिए। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए रेडी कर लिया है। तो फटाफट से हम चलते हैं गैस के पास। ये मोस्टली ये रेसिपी जो है फ्रेंड्स, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो बच्चे इसे बहुत एंजॉय से खाते हैं। बस थोड़ी सी मिर्ची का क्वांटिटी कम रखें,
तो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है। गैस के पास हम आ चुके हैं और हमने गैस पे रख दिया है तवा। और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि जो जब भी आप सूजी की इस रेसिपी को ट्राई करें तो नॉन स्टिक में ही ट्राई करें, अदरवाइज किसी और बर्तन में ना कर दे भूल से, ना ताकि ये चिपक जाएगा पूरी तरह से और निकलेगा भी नहीं, आपकी रेसिपी भी खराब हो जाएगी और मूड भी खराब हो जाता है। तो एक चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है तवे पे, जिसमें हम डालेंगे आधा चम्मच रई। यहाँ पे रई देखिए, आधा चम्मच हमने रई डाल दिया है। रई जैसे ही चटक जाएगा पूरी तरह से, तो यहाँ पे रई चटक गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, इसी रई में ऐड करेंगे हरा फ्रेश एकदम कढ़ी पत्ता। तो यहाँ पे मैं 8 से 10 कढ़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। कढ़ी पत्ता थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब एक बड़े चमची से 1.5 चमची के करीब हम बैटर को डाल देंगे और मोटे लेयर में इसे फैला लेंगे। फैलाने के बाद हमें इसे ऐसे नहीं पकाना है खुले में, हमें इसे ऐसे से कवर करना होगा। तो कवर कर लेते हैं और 3 से 4 मिनट वन साइड रखते हैं, फिर हम इसे पलट के सेकेंड साइड भी कवर करके पकाएंगे। तो आइए इसे हम ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे कवर कर देती हूँ। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सब कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम टाइम वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि फटाफट बन जाए। तो यहाँ पे मैंने देखिए वन साइड अच्छे से सीख गया था, हमने इसे पलट लिया, दूसरी साइड हमने इसे पलट के रखा है। इसे वाइट फिर से कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद बस 5 मिनट रखते हैं इसे लो फ्लेम पे, फिर फटाफट से इसे हम प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये हमारा वन पीस ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो गया है। जिसे भी खाना है आ जाइए, एंजॉय करिए। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फॉल पेपर लिया है जिसके ऊपर हमने इसे डाल दिया है ताकि एकदम फ्रेश ताजा रहे। अब दूसरा भी हम उसी तरीके से चल रहे हैं बनाने। पहले 1 चम्मच तेल डालेंगे, फिर थोड़ी सी इसमें डालेंगे रई। अगर आप तेल नहीं खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल ऑयली नहीं खाते हैं, तो आप रई को ऐसे भी तड़का लगा सकते हैं तवे पे ऐसे जला के और बैटर को डाल सकते हैं। लेकिन जो रई हम जला के बनाते हैं तेल के अंदर, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस नहीं ज्यादा, आधा चम्मच ही तेल डालें, जितना कि रई जल सके उतना ही डालें, लेकिन डालें जरूर। अब इसे हम जैसे पहले वाले को हमने बनाया था उसी तरीके से हम दूसरे वाले को, तीसरे, चौथे, जितना भी हमारे पीसेस बनेंगे बना। तो फटाफट से सारे नाश्ते को हमने बना के रेडी कर लिया है। इसे चटनी चाय के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके से एक न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और मेरे वीडियो को फॉलो करें। तो हम जा रहे हैं इसे सर्व करने। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए इस झटपट सी रेसिपी एंड नाश्ते। तो तब तक के लिए आप सबको बाय बाय एंड टेक केयर।